बहनो जी, अरे बहनो जी, का सोच रहे हैं? अरे तुम्हारी बहन के बारे में। टेंशन मत लो बहनो जी, मिर्जा दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे तुम्हारी मोटी बहन के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हारी छोटी बहन रानी के बारे में सोच रहे हैं। इस अलीजा को तो हम छोड़ेंगे नहीं, बस एक बार पकड़ में आ जाए बस। पकड़ लिया बहनों जी। ओहो, अरे पुदीना छोड़ो। अरे ये क्या सुतीलाल, पुदीना की तबीयत खराब है क्या? अगर हमारे दोस्त अलीजा का दम निकल जाता तो। चलो पुदीना, चलो। ये क्या कर रहे थे तुम? ही तो कह रहे थे एक बार अलीजा पकड़ में आ जाए उसे छोड़ेंगे नहीं। चुपचाप यहाँ खड़े रहो, मुकुंदी बाबू ही बात करेंगे इससे। सुतीलाल, कल हम खुसुर पुसुर कर रहे थे और आज तुम फुसफुसा रहे हो। वैसे फुसफुसाते तो पिताजी थे, वो भी तब जब अम्मा उनके मुंह में रुमाल ठूंस के उनकी सुताई करती थी। भाई ये तो रही पिताजी की बात, अब सुनो हमारी बात। जल्दी से दो चाय पिलवाओ। का मामा, बहुत चाय वाय सूती जा रही है? अरे मुकुंदी बाबू लगता दफ्तर से आ रहे हैं। आप भी पीजिए चाय, आइए बैठिए। हाँ हाँ पियेंगे, काय नहीं पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे भाई, क्यों नहीं। अरे सुतीलाल जरा तीन चाय लाना, आइए बैठिए बैठिए। हाँ और सुनाओ अलीजा। अरे जीजा जी, हम क्या सुनाए? कौनो गाना सुना दो। जीजा जी आप क्या बात कर रहे हैंगे, हमें गाना गाना कहाँ आता हैंगे। अच्छा, हमने तो सुना है कि आजकल बहुत गाना वाना गा रहे हो, गुजरिया के साथ। जीजा जी वो तो हम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे मुकुंदी बाबू शर्म तो पिताजी को आती थी, वो क्या था कि जब अम्मा। अरे ओ मामा तुम भी चुप रहो। कहा अलीजा, रानी के साथ शादी करना चाहते हो या नहीं? हाँ जीजा जी करना चाहते हैंगे। तो अगर रानी के साथ शादी करना चाहते हो तो गुजरिया के साथ गाना वाना काय गा रहे थे? मुकुंदी बाबू हम बताते हैं सच्चाई क्या है। बात दरअसल ये है कि अलीजा रानी को दिल से चाहता है, उसी से शादी भी करना चाहता है, लेकिन गुजरिया क्या है कि जबरदस्ती अलीजा पे चैंप हो रही है। भाई इसमें अलीजा का कोई दोष नहीं है। देखा अलीजा, भाई मुकुंदी बाबू को हमारी बात इतनी अच्छी लगी कि तालियां बजा रहे हैं। मामा हम खुश होकर ताली नहीं बजा रहे हैं, बल्कि हम तो तुमको ये बताना चाहते हैं, ताली जो है वो एक हाथ से नहीं, ये देखो दुई हाथ से बजती है। गुजरिया तुमसे इसलिए बात करती है क्योंकि तुम भी उससे बतियाते हो, और आज तुम्हें फैसला करना होगा अलीजा, रानी या गुजरिया। रानी, रानी और सिर्फ रानी। जीजा जी हम आपकी कसम खा के कहते हैंगे कि आज के बाद हम गुजरिया से बात तो क्या, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। मुकुंदी बाबू आपकी कसम खाई है, इसलिए अलीजा पर नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो फिर आप भी नजर ना आए। हमारी चाय भी तुम ही पी जाओ। है ईका,
हमारी बहन चमेली भी अपनी सहेली की तरह बैठ के सोने लगी। ए भगवान, ये दोनों तो हमको बिल्कुल पागल कर देंगे, पागल। हम तो अब आंगन में ही जाके सोएंगे। ए भैया, हमको सब पता है, आप कहीं जा न रहे हो? बाहर जा रहे हैं, आंगन में चैन से सोने, खुली हवा में, जहां हमको डर ना लगे। चमेली, एक बात बोले, हम ना एलिजा जी से बहुत प्रेम करते हैं। हमको सब पता है, तुम्हारा वो बॉडी बिल्डर एलिजा भी तो तुमसे बहुत ना प्यार करता है। अगर वो हमसे प्रेम करते तो हमसे बात करने में इतना घबराते क्यों हैं? अरे हमारी मासूम सहेली एलिजा घबराता नहीं है, शर्माता है। को कुछ नहीं पता, हम मासूम हैं। अब मासूमियत से काम नहीं चलेगा, समझी? अब समझदारी से ना काम लेना होगा। मतलब? कल जाके तुम एलिजा से साफ साफ कह देना कि तुम उससे प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो, ठीक है? हमको शर्म आएगी। अरे तो तुमको कौन सा लाउड स्पीकर पे चिल्ला चिल्ला के बोलना है? चुपचाप जाना उसकी दुकान में और चुपचाप कह देना उसके कान में, ठीक है? सच? हाँ एकदम है सच। गुजरिया, ए गुजरिया, लगता है सो गई है। हम भी सो जाते हैं। जय दुर्गा भैया। अरे ये क्या एलिजा, तुम अपने दोस्त के दिल के जख्म सिलने की बजाय कुर्ता सिल रहे हो। रख दो अपना दिल मशीन पे, सिल देंगे। एलिजा हमें तुमसे भी नफरत है, नफरत नफरत। एलिजा अब वक्त आ गया है लापतागंज छोड़ के जाने का। नहीं बल्कि कैंची छोड़ के कलम उठाने का। मतलब? मतलब ये कि तुम एक बार फिर से चिट्ठी लिखोगे और वो चिट्ठी हम खुद अपने हाथों से चमेली जी को दे के आएंगे। अरे ये एलिजा कहाँ चला गया? ओहो एलिजा तुम हमारे पैरों पर क्यों पड़े हो? उठो उठो उठो। मामा और कुछ भी करवा लो लेकिन हम तुम्हारे लिए चिट्ठी कभी नहीं लिखेंगे। लो तुम्हारी मासूम आ गई। आए या जाए हमें इनसे कोई मतलब नहीं हैंगे। आओ 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 गुजरिया आओ। अरे एक मिनट एक मिनट रो। लो बैठो बैठो बैठो। एलिजा जी, एलिजा जी देखिए हम आए हैं। मामा इनसे कह दो कि हमारे पास टाइम नहीं हैंगे और इनके लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हैंगे। ए हमारे बॉडी बिल्डर हमसे नाराज हो का? मामा इनसे कह दो कि हमारी चिट्ठी पढ़ने के बाद तो इन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चिट्ठी पढ़ने के बाद ही तो हम आपके प्यार में पागल हो गए हैं। गुजरिया तुमने कल वाली चिट्ठी पढ़ी थी? हमको कुछ नहीं पता, हम मासूम हैं। देखो गुजरिया जो प्रेम पत्र तुमने पढ़ा था वो दरअसल लिखा एलिजा नहीं था लेकिन लिखवाया हमने था किसी और के लिए। हाँ प्रेम पत्र फेंकने के समय हम दोनों साथ में ही थे। मामा आप क्या कह रहे हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम मासूम हैं। एलिजा हमें लगता है इसने कल वाली चिट्ठी नहीं पढ़ी है और ये बेचारी मासूम है। मामा
इस मासूम से कह दो कि हम इनसे कोई बात नहीं करना चाहते हैंगे, हमरे दिल में इनके लिए कुछ भी नहीं हैंगे, और इनके रोज रोज यहां आने से हम तंग आ गए हैंगे, और इन्हीं की वजह से हमें हमरे जीजा जी से भी डांट पड़ चुकी हैंगी। कह दो मामा इनसे कि ये यहां से चले जाए, कह दो मामा इनसे कि ये यहां से चले जाए। कहावत है अलीजा, देखिए ना जीजा जी, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, खाम का गले पड़ रही हैंगी। अरे लल्लन जी, आप नहीं पूछेंगे कि का हुआ? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं पूछिए। ठीक है मामा, तुम कहते हो तो पूछ लेते हैं। हाँ भाई अलीजा, का हुआ? आपकी बहन की सहेली गुजरिया ने हमरा जीना मुश्किल कर दिया हैंगे, समझाइए इन्हें। देखो अलीजा, ऐसा है कि वो जो है ना तुमसे बहुत प्यार करती है, और तुम तो जानते हो कि प्यार करने वाले ना कभी किसी की नहीं सुनते। तो सुनना सिखाइए इन्हें। तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो। सुनिए। अरे अली, खाम का नहीं जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आपकी बहन की सहेली ने हमरी नाक में दम कर रखा हैंगे, हम चैन से सांस भी नहीं ले पा रहे हैंगे। हम समझ सकते हैं, लेकिन हम करें भी तो क्या करें? लगाम वसूलिए इनसे है? अब हमरा मतलब लगाम कसिए इन पे। हाँ अब देखो अलीजा, अब हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से शादी के लिए सोच के देखते हैं। एक बार तो क्या, अगर आप हजार बार भी ये सवाल पूछेंगे ना तो हमारा एक ही जवाब होगा, नहीं नहीं नहीं। अरे अलीजा आगे मत बढ़ो, वरना हमें कहना पड़ेगा अलीजा अब नहीं। सुन लिया लल्लन जी, या और भी कुछ सुनना चाहते हैं? ठीक है भाई अलीजा, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम समझा देते हैं अपनी बहन गुजरिया को। हाँ हाँ, देखो गुजरिया। गुजरिया, देखो अलीजा, ऐसा है कि तुम्हारी वजह से हमारी बहन को जो तकलीफ हुई उसके लिए हम माफी चाहते हैं। मतलब हमारी बहन गुजरिया की वजह से तुमको जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ठीक है, माफ कर दिया। हाँ ललन जी, दफ्तर नहीं चलेंगे का? बाबा हम तो किसी ने कहा ही नहीं। तो आपसे कोई कहेगा भी नहीं। अरे अरे मुकुदी बाबू रुकिए, का सही मुकुदी बाबू। गुजरिया, ए गुजरिया, हमको कुछ नहीं पता, मासूम है। अरे ऐसी कैसी मासूम हो, तुमको अपने रोने की वजह नहीं पता? अरे का हुआ, किसी ने कुछ कहा है करे? चमेली अलीजा ने का कहा है? अलीजा ने उन्होंने हमसे शादी करने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि मामा इस मासूम से कह दो
कि हम इनसे कोई बात नहीं करना चाहते हैंगे। हमरे दिल में इनके लिए कुछ भी नहीं हैंगे। कह दो बाबा इनसे कि ये यहाँ से चले जाए। चमेली हमरे साथ ऐसा काहे किया है लीजा जी ने? लगता है कि तुम्हारा वो बॉडी बिल्डर बहुत ही ज्यादा चालाक और एक नंबर का मक्कार है। हम तो कहते हैं कि वो सनम बेवफा है। काहे कि एक तरफ तो प्रेम पत्र लिखता है तुमको और दूसरी तरफ पूरे गांव के सामने हमारी सहेली को बेइज्जत ना करता है। उसने तुम्हारा ना अपमान किया है, हमारी सहेली का ना अपमान किया है। हम अभी उससे बात करके आते हैं ना गुजरिया। अब तुम नहीं रोना, अब वो टेलरवा रोएगा। चमेली चमेली रुक जाओ चमेली। अलीजा, हमारी दाइयां फड़क रही है। लगता है कोई खुशखबरी आने वाली है। मामा, हाँ। खुशखबरी का तो पता नहीं, लेकिन मामी जी जरूर आने वाली हैंगी। मामी जी? वो देखो। अलीजा, हमें चमेली में झांसी की रानी क्यों दिखाई दे रही है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.